हज़रत मुफ्ती शुएब रज़ा शहर काजी बने। मुफ्ती शुएब रज़ा कादरी को दस्तार बांधकर पगड़ी पहनाकर शहर काजी नियुक्त किया गया। मदरसा गरीब नवाज हड्डी मिल पर रविवार को मध्य प्रदेश काजी कमेटी भोपाल के तत्वाधान में जलसा दस्तारबंदी शहर काजी गुना आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश काजी कमेटी भोपाल के अध्यक्ष हजरत काजी अमानुल्लाह खान के द्वारा गुना शहर के मुफ्ती शुएब रज़ा कादरी को दस्तार बांधकर पगड़ी पहनाकर गुना शहर काजी नियुक्त किया गया। इसी कार्यक्रम में विशेष रूप से मध्य प्रदेश काजी कमेटी के सेक्रेटरी कारी राशिद साहब और मुफ्ती अकरम साहब तहसील काजी नरसिंहगढ़ सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय ने अपने विचारों से अवगत कराया। इसमें मुख्य रूप से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष जाकिर बाबरी, रफत उल्ला हनफी, एडवोकेट इकबाल हुसैन, शाकिर भाई, ख्वाजा गरीब नवाज सेवा समिति अध्यक्ष असलम खान, जिला अध्यक्ष आसिफ खान, मुस्लिम त्यौहार कमेटी अध्यक्ष आसिफ खान के साथ विभिन्न मुस्लिम समुदायों के प्रमुख और मस्जिदों के इमाम मौजूद थे। मध्य प्रदेश काजी कमेटी से काजी अमानुल्लाह, और उद्देश्य ये है कि लोगों में आपस में भाईचारा इत्तेफाक बनने के लिए और बना रहे। जो हमारे उमूर हैं दीनी निकाह, जो बहुत अहम चीज़ है इंसान के लिए, उसी सिलसिले के अंदर आजकल कानून और पहले से भी जो कानून है हमारा संविधान, और अभी इसमें कानून में मॉडर्न निकाहनामा के तहत निकाह कराने के लिए जो नई चीज़ें आई हैं आज के हालात को देखते हुए, कि वे फ़ोटो होना, आधार कार्ड की कॉपी होना, डॉक्यूमेंट्स के एतबार से उम्र को सही तरीके से जांच करके उसका निकाह वगैरह हो, ताकि कल को कोई कानूनन ज़रूरत पड़ती है तो वो कागजात उसमें काम आए। पहले दौर में सादगी का दौर था, उसमें क्या है, कोई भी अपना महल्ले का इलाके का कोई भी आदमी तस्दीक कर देता था तो मान लिया जाता था, लेकिन दुनिया में तादाद बढ़ने की वजह से फ्रॉड ज़्यादा फैल गए, इसकी वजह से ये कानून में फेरबदल किया गया है कि भाई डॉक्यूमेंट्स के साथ और उम्र उसूल के साथ तरीके के साथ ये काम कराया जाए। इसी के लिए मध्य प्रदेश काजी कमेटी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, होम पासपोर्ट में डिपार्टमेंट मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, और अपने तहत जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ काजियों की तकर्री करती है, ताकि वो कानून के दायरे में रह के निकाह और शादी का पूरा कार्य करते रहें और लोगों में आपस में इत्तेफाक बनाएं। आप सभी को हमारे लोकप्रिय सांसद जी की ओर से मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते आप भोपाल से बधा रहे हैं, मैं सभी सम्माननीय जनों को बधाई देता हूं। और अभी मैं सुन रहा था, हम मंदिर में सुबह जाते हैं तो आरती के बाद हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो। तो मैं सुन रहा था अभी आप लोगों के बातों को, तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि हम गुनाह का परिचय भी इसी रूप में दें कि जब आपको गुनाह की बात कहीं सुनाई आए तो जहां आपको ऐसा लगना चाहिए कि गुनाह के सारे लोग एक बगीचा में जिस तरह फूल रहते हैं और सभी को आनंदित सुगंध रहते हैं, इसी तरह इस गुनाह की धरती पर हमारे ये नौजवान बैठे हैं, हमारे जो मार्गदर्शक लोग बैठे हैं, ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि हम गुना के लोग कितने सुंदर और कितने समझदार हैं, कि हमारी गुना की धरती से हम सबको एक संदेश देंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीटी शर्मा जी और हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम इसी भावना को लेकर हम गुना की जनता को एक मार्गदर्शन देंगे। सभी हम भाई भाई के रूप में मिलकर काम करेंगे और आज इस धार्मिक आयोजन में, इस पवित्र आयोजन में मेरे लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के माननीय अध्यक्ष जी ने आमंत्रित किया था, मेरी ड्यूटी भी बनती थी कि मैं इस कार्यक्रम में पधारूं। माननीय सांसद जी का आदेश भी रहता है कि कहीं भी कोई भी किसी का काम हो, किसी की जरूरत हो, किसी का धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी का आयोजन हो, तो मेरे लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में अनिवार्य रूप से जाना होता है। आज इस पवित्र और धार्मिक कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ। आप जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य इतना सार्थक हो कि मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे गुना का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।